है जानवर भी रहेंगे ना, चरने आते हैं जंगल में, लेकिन ये सारे छोटे छोटे देखो सर, ये तो पैदा हुआ छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ सो गाइस, ये रास्ता है कैलाश गुफा का, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम प्रवेश कर चुके हैं कांगेर वैली नेशनल पार्क में। और यहाँ को 75 जानवर दिख जाएंगे जो कि मेनली गाय है। हिरण बोल दो, कोई ध्यान नहीं देगा भागते हुए। ढलान तो काफी अच्छा है, हम तो ढुलकते हुए आ रहे हैं, जाते वक्त काफी चढ़ाई पड़ने वाली है। रास्ता जाता है कैलाश गुफा की और हम काफी नीचे उतर चुके हैं, हम पूरा घाट उतर रहे हैं नीचे, जैसे कि आप देख सकते हैं सड़कें अगल बगल के जंगल। तो गाइस बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको दर्शन कराऊंगा आज महादेव के दर्शन, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं जा रहा हूँ कैलाश गुफा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बांस एवं साल वनों तथा गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो शायद तो ये यारो इस तरह दिखाता है गाइस, मेरे ख्याल से इधर की ओर गुफा है, तो हम चलते हैं इधर की ओर। जैसे कि देख सकते हैं आप रास्ते काफी कठिन होते जा रहे हैं। अब काफी चढ़ाई है, दो लोग गाड़ी में चढ़ पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिख रहा है, बस सिर्फ जंगल ही जंगल है और बस हम दो ही लोग हैं यहाँ पे। काफी एकांत है, जानवर मिल जाएगा। जानवर तो नहीं, छोटे मोटे जानवर हो सकते हैं जो कि शाम या रात नजर आएंगे, फिलहाल तो अभी तक हमें कोई नजर नहीं है। प्रवेश द्वार है, यहाँ पे दो बैग एक लेके नहीं गया, चलो पानी में निकाल के। जैसे आप देख सकते हैं रेलिंग बना, ऊपर सीढ़ी है, तो शायद हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा गुफा के लिए। चलिए चलते हैं। एक निर्देश है, उच्च रक्तचाप, श्वास रोगी, हृदय रोगी, उनके लिए जिनको सांस लेने में दिक्कत है, तकलीफ हो सकती है, वैसे लोग गुफा में प्रवेश करने से पहले
सावधान किया गया है। इसकी सीढ़ियाँ, चले चलते हैं ऊपर। ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत कम ही लोग आते हैं इस वक्त। ये अभी अप्रैल का माह है, शिवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे भीड़ रहती है। अगर आप उस टाइम पे आएंगे तो आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी और काफ़ी सारे लोग मिलेंगे। काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, सीढ़ियों को देख के लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, हम अभी आधा रास्ता गए हैं और अभी काफ़ी रास्ता बचा हुआ है, अभी हमें फिर ऊपर तक चढ़ना है। अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर ऊपर चढ़ेंगे। तो ब्रेक लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू बनाया गया है, हट बनाया गया है रेस्ट करने के लिए। देखिए गाइस, यहाँ पे बना एक वॉच टावर, किस लिए बना नहीं पता, शायद हो सकता है निगाह रखने के लिए बना हो। जितने घाट हमने उतरे थे उतने अब सीढ़ियों से चढ़ना पड़ रहा है और ये चढ़ाई काफ़ी मुश्किल साबित हो रही है। जैसा कि देख सकते हैं अभी और ऊपर चढ़ना बाकी है। जब भी इधर आए भरपूर मात्रा में पानी लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक पानी कोई स्रोत नहीं है। यहाँ ऊपर आने के बाद ये छोटा सा गेट बना हुआ है, अब इस गेट से घुसना हमको। इसी जगह ठंडा है, जैसे कि देख सकते हैं अभी सीढ़िया बनी हुई है। मोबाइल लाइट में काफी कम दिख रहा है।
लेकिन आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती को। मैं लिखा कृपया झुक कर चले। देखिए पानी ने पूरा पत्थर को तरास तरास के यहाँ पर रास्ता बनाया हुआ है। चलिए चलते हैं, देखते हैं। ले जल्दी आ। अच्छा यहाँ पहले लाइटें लगाई गई थी लेकिन सारी लाइटों को तहस नहस कर दिया गया लग रहा है। काफी ज्यादा अंधेरा है कि आपको मैं कुछ दिखा ही नहीं पा रहा हूँ। बस सीढ़ियाँ दिख रही हैं। नीचे कितनी गहरी है वो भी नहीं पता। साथ साथ रहे ठीक है, बगल में ठीक। अभी हम जा रहे हैं नीचे। गर्म भी लग रहा है, ठंडा भी। जैसे कि सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं हम देख सकते हैं। कितना लंबा रास्ता है पता नहीं, और हमारे पास टॉर्च भी नहीं है। बस सिर्फ सीढ़ियाँ दिख रही है गाइस, और कुछ भी नहीं दिख रहा। नीचे कितना नीचे जाना है वो भी नहीं पता। आंखों से तो यूं दिखता है बट कैमरे में कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको हल्का हल्का कुछ कुछ दिख रहा होगा। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं मैं काफी पसीना पसीना हो चुका हूँ। नीचे गए थे हम काफी अंदर तक के, बट अंदर लाइट की बहुत ज्यादा कमी है और मोबाइल टॉर्च में आपको दिखा पाना मुश्किल था, इसलिए हम वापस आ गए हैं। जो यहाँ गाइड होता है उससे बात करते हैं, अगर वो मानता है तो हम ठीक है प्रयास करेंगे फिर जाने का अंदर। अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। जिस गेट से हम घुसे थे उस गेट को बंद कर देते हैं। काफी थका देने वाला रास्ता है। ऊपर देख सकते हैं आप छोटी सी मंदिर है।